वेलकम स्टूडेंट, प्रज्वलम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज से मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर है परसेंटेज। जैसा कि अगर हम अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक के 100% में आपका 20% काम करता है कॉन्सेप्ट, बाकी जो आज के एग्जाम का पैटर्न है उस पर 80% जो है आपका कैलकुलेशन मैटर करता है। तो कैलकुलेशन में परसेंटेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बाकी हर क्वेश्चन में जिस टाइप की, चाहे वो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो, सीआई हो, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, उन सब में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम परसेंट के बारे में जानेंगे और यहाँ पर हम कोई ट्रिक नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए, ट्रिक आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप अपने बेसिक को इतना प्रैक्टिस करिए, उस पर इतनी प्रैक्टिस करिए कि वही आपके लिए ट्रिक बन जाए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज होगी और आप सवाल को उतनी जल्दी कर पाएंगे। तो परसेंट के बारे में आज हम सीखेंगे। परसेंट का बेसिक मतलब होता है, पर का मतलब होता है किसी चीज को डिवाइड करना या तुलना करना, डिवाइड करना या उससे तुलना करना। परसेंट का मतलब होता है 100, यानी किसी चीज को 100 से कंपैरिजन करना। ठीक, अब देखिए, परसेंट हम हमेशा जो है परसेंट को लिखते हैं 100%। ठीक, अच्छा, तुलना करना क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी एग्जाम का, उसका पूर्णांक है 10 और उसने जो है उसने 7 नंबर गेन किया है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे उसने कितना नंबर, कितना प्रतिशत नंबर उसने प्राप्त किया एग्जाम में। तो आप देखिए, परसेंट के लिए हमने क्या कहा, परसेंट को हमेशा हम किससे कंपेरिजन करते हैं, 100 से। किसी चीज का परसेंट निकालने के लिए हम उसे 100 से कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे 10 है, अच्छा 100 से जब कंपेरिजन करेंगे हम, तो ये 10 का कितना गुना 100 है, 10 गुना। तो जाहिर साथ ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70, यानी उसने अपने एग्जाम में इस पेपर में कितना नंबर गेन किया, 70%। ठीक, हमने क्या किया, उसके नंबर को 100 से कंपैरिजन किया। ठीक, यही परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को 100 से कंपैरिजन करना। ठीक, अब आते हैं हम बेसिक कि हमें परसेंट निकालना कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में यही है कि आपको परसेंट कैसे निकालना है, कैसे फास्ट निकालना है। ये आपके इस चैप्टर में भी और पूरे अर्थमेटिक के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए, ये लिखा है 100%। ठीक, अब 100% में देखिए, यहाँ पे अगर हम दाहिनी तरफ से एक पॉइंट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10। ठीक, तो मान लीजिए कोई वैल्यू है, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 4500 हमारे पास कोई वैल्यू है। अगर अब हमसे कोई पूछता है कि 4500 का 10% कितना होगा, तो हमें पता है कि अगर 100% जो भी वैल्यू है उसमें से दाहिनी तरफ से एक पॉइंट लगा देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, हमें 10% मिल जाएगा। यानी कि 4500 का 10% कितना होगा, 450। ठीक, अब इसे अगर हम बेसिक से करते तो परसेंट निकालने का तरीका क्या है, 4500 into 10 upon 100। ठीक, तो हम ये जीरो से जीरो कैंसिल करते, ये मिलेगा भाई। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी वैल्यू में हम राइट साइड से एक पॉइंट लगाते हैं तो वो हमें 10% की वैल्यू देता है। यही वैल्यू अगर होती 3550 तो 10% की वैल्यू क्या हो जाती, एक पॉइंट लगाते राइट साइड से 355। ठीक, अब अगर यही वैल्यू होती मान लीजिए कि 4255, इसका हमसे कोई पूछेगा कि 10% क्या होगा, तो राइट साइड से हम एक पॉइंट लगाएंगे। ठीक, तो ये कितना हो गया, 425.5 इस वैल्यू का 10% हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 100% है, अगर हम वही पॉइंट जो है राइट साइड से दो अंक छोड़ के लगा देंगे तो हमें 100% में क्या मिलेगा, 1% की वैल्यू। ठीक, अब अगर मान लीजिए हमें इस 4255 का 1% निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से दो अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1% की वैल्यू, कितना हो गया 42.55। ठीक,
42.55 4255 का 1% होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमें आगे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे हमें इजीली परसेंटेज निकालना है किसी वैल्यू का, हम ये सीखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई वैल्यू है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4400, ठीक है, 4400, अगर हमसे किसी ने कह दिया कि इसका 22% बताइए, यानी कि 4400 का 22%, तो देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, 4400 यानी 4400 इनटू 22/100, ठीक। अब देखिए, दो जीरो से हम ये दो जीरो कैंसिल करेंगे, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 44 से 44 इनटू 22, तो ये हो जाएगा 2 4 8 2 4 8 अगेन 2 4 8 2 4 8, तो ये हो जाएगा 960। अब देखिए, हमें 4400 का 22% निकालने के लिए कितना सारा लिखना पड़ा और कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, इस मेथड से देखिए हम कैसे करेंगे। अच्छा, ये मेथड सीखने के लिए आपको जो है कैलकुलेशन बिना लिखे हुए यानी ओरली बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप पर डे खाली समय में बैठे और 10 मिनट अपने मन में छोटी छोटी डिजिट लेके आप कैलकुलेशन करते रहे। इससे क्या होगा कि आप जो है बिना पेन उठाए छोटी छोटी चीजें जो छोटी छोटी डिजिट होती है इनका कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो ये आपके एग्जाम में बहुत टाइम आपका सेव करेगा, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे, 4400, ठीक है, हमें क्या पता है 22% निकालना है, तो 22% हम क्या कह सकते हैं कि 22% यानी कि 20% प्लस 2%, ठीक। अब ये हम माइंड नहीं करेंगे कि हमें 22% का मतलब क्या है कि 20% निकालना है और 2% निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। 20% के लिए क्या करना है, हमने बताया आपको कि किसी भी वैल्यू में राइट साइड से अगर आप एक पॉइंट प्लेस करते हैं तो देखिए आपको 10% की वैल्यू मिली 440 यानी ये 10% की वैल्यू है, और 20% की वैल्यू चाहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10% का दुगना 20%, तो 440 का दो गुना 20%, तो यानी कि 440 का जब डबल करेंगे हम कितना आ गया हमें यहां पे 880 मिल गया, और हमें क्या चाहिए अभी 2%। अब 2% के लिए हमें 1% की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो 1% के लिए मैंने क्या बताया था कि राइट साइड से किसी वैल्यू में आप दो अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो आपको 1% की वैल्यू मिलेगी, तो 44 यानी कि दो अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपको 44 मिलेगा, तो आपको चाहिए ये 1% की वैल्यू होगी 44, 2% चाहिए तो 44 दूना आपका हो जाएगा 88। अब आप उसमें 88 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो देखिए सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो अब यहाँ पे एक तो देखो, आपने अगर एग्जाम में ध्यान दो तो लिखने का भी टाइम आपका कैलकुलेट होता है, ये भी आपका टाइम लेके जाता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो चाहे बैंक का एग्जाम हो, कोई भी आप वन डे एग्जाम दीजिए, तो आपको जो है पेन का तो हम इस्तेमाल करना है मैथ में, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, वो मैं आपको किसी अगले वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे माइंड में कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया इतना छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, और ये चीजें आप अपने माइंड में भी कर सकते हो, 440 का 2 गुना 880 और उसके बाद 44 का जो है 888, अब 880 और 88 आप माइंड में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा और आपको इजिली परसेंटेज मिल जाएगा। और आगे देखते हैं कुछ, मान लीजिए कोई वैल्यू है आपके पास, हम लेते 12000 लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, आप इसमें से अगर आपसे कोई कह दे कि आप जो है इसका 18% निकालिए, 32 निकालिए, ठीक है, 32% निकालिए, तो देखिए अब बेसिकली आप क्या करोगे, बेसिकली आप ये करोगे 12000 इंटू 32/100, ठीक है, और इसके बाद दो जीरो से आप इसको काटोगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 24, 12 × 36 2 × 38, ठीक है, और एक जीरो प्लेस करोगे, कितना 3840, ठीक। अभी यहाँ पे थोड़ी आसान डिजिट हो गई, लेकिन देखिए और इससे जल्दी आप कैसे करोगे अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखो बिना पेन उठाए आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको निकालना है 32%, ठीक। आप क्या करोगे, आपको पता है कि 30 प्लस 2
ठीक है, आपको ये निकालना है, दोनों को ऐड करना है, 30 + 2 यानी 32%। तो 10% की वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया आपको, राइट साइड से एक पॉइंट प्लेस करना है, तो कितना हो गया 1200। 1200 का 3 गुना आप करोगे तो आपको 38% की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 12 + 36 यानी 3600 रुपए आपका 30% की वैल्यू होगी। 2% आपको और चाहिए, तो देखो 2 अंक पे दशमलव लगाओगे तो आपको जो है 1% की वैल्यू मिल जाएगी, तो आप जो 2 अंक पे दशमलव लगाओगे तो यानी 1% की वैल्यू 120, 2% और चाहिए तो कितना हो गया 120 × 2 यानी 240। तो 3600 में 240 आप ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3840। ये चीजें आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, ठीक है, और यही आपको करना है। अपने कैलकुलेशन में कितना टाइम आप सेव कर सकते हैं, इसी का एग्जाम है आपका मैथ का, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो हर बच्चा पढ़ता है, डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस ही आपके कैलकुलेट करने में होता है। आप जितने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन में कैलकुलेशन को मिनिमाइज करेंगे, कम समय लेंगे, वही आपका सिलेक्शन मैटर करेगा, ठीक है। आप देखिए, आप इसको थोड़ा टफ बनाते हैं, मान लीजिए 32 आसान था, ठीक है। अब इसी वैल्यू का अगर आपसे पूछा जाए कि आप 58% निकालिए, ठीक है, कितना 58%। अगेन आप करोगे, फिर से वही काम करोगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कर रहे हो तो 12000 × 58 × 58/100, ठीक है, आप फिर काटोगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। अब देखिए, अब आप फिर से यही क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो। अब देखो, अब इतना तो आपकी प्रैक्टिस है नहीं कि आप 12 को 58 से माइंड में मल्टीप्लाई करो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये काम आप धीरे धीरे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको करना क्या है, अगेन आपको 10% की पहले वैल्यू चाहिए। अच्छा देखो, अब 58 में आपको करना क्या है, 58 + 1 को आप जो है इसको आप 50 + 8 भी बना सकते हो, सेकेंड इसको आप 60 - 2 बना सकते हो। तो देखो, अब 12 को 8 से गुणा करना है, 12 से 2 को गुणा करना है, करने में 12 से 2 गुणा करना आपको ज्यादा आसान है, तो आप क्या करोगे, इसको बनाओगे आप 60 - 2, ठीक है। तो अब देखो, 60 - 2 यानी कितना आपको 58% निकालना है, तो 60 - 2 बनाओगे तो यानी कि सबसे पहले आपको 60% की वैल्यू चाहिए, फिर आपको चाहिए 2% की, तो 60% की वैल्यू में से आप 2% की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको 58% की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा, आपको 10% के लिए क्या करना है, आपको बताया गया कि कोई भी वैल्यू हो उसमें से आप राइट साइड से एक पॉइंट प्लेस करोगे तो आपको 10% की वैल्यू मिलेगी। तो 12000 में आप 1 अंक पे दशमलव लगाओगे तो 1200 मिलेगा, 10% 60% है तो 10 × 6 = 60, तो कितना हो गया 1272, यानी कि 60% की वैल्यू हो जाएगी 7200, ठीक है। अब आपको इसमें से 2% माइनस करना है, 2% के लिए आपको क्या करना है, 2% के लिए आपको 2 अंक पे दशमलव लगाना है, राइट साइड से 2 अंक पे दशमलव लगाओगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो 1% की वैल्यू होती है, तो 120, यानी कि 1% की वैल्यू 120, तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 का 10 डबल 240। आपको देखो, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि आपने वैल्यू क्या अपने हिसाब से बनाई है, यहाँ पे आपने 60 माइनस करके बनाई है 2, तो आपको माइनस करना है, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 6960, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से अभी तो ये मैंने आसान आसान डिजिट ली है, बाकी और भी टफेस्ट आप निकाल सकते हो परसेंटेज आसान तरीके से। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्लस आपको तो ये बेसिक चीज याद रखनी पड़ेगी, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू पे अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है परसेंटेज का, देखिए अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 25% किसी भी चीज का, मान लीजिए आपके पास आपकी सैलरी का 25% बचा है, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए परसेंट में ना पूछ के आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास आपकी सैलरी का कितना भाग बचा है, ठीक, जो वो भाग होता है वही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू कैसे अगर निकालोगे, तो अगर 25% आपके पास बचा है तो किसमें से बचा है भाई, परसेंटेज की बात हो रही, हमेशा 100% से कंपेरिजन होगा, तो किसमें से आपको 25% बचा है, 100 में से, ठीक है। तो जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो जो आपको मिलेगा 1/4, यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कही जाती है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आपको हेल्प करने वाली है, हम ये देखेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मान लीजिए 100% है, ठीक है, 100% को हमेशा हम कंप्लीट वैल्यू मानते हैं। कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, वो हमेशा होती है अपने आप में 1, यानी 1, ठीक, ये होगी आपकी कंप्लीट वैल्यू। उसके बाद अगर हम 50% की बात करें तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अगेन डिवाइड करेंगे हम 100 से तो हमें मिलेगा 1/2, यानी कि अगर कोई कहे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है तो वो है 1/2,
ठीक। उसके बाद अगर इसको हाफ कर दें, देखिए इसको हाफ करेंगे तो 25% मिलेगा, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 का हाफ, तो 1/2 का हाफ का मतलब 1/4। अगेन अगर हम 25% को हाफ करते हैं, अगेन अगर हम 25% को हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12.50, ठीक है, यानी 12.5, 12.5 का 1/4 का हाफ, तो इसका हो जाएगा 1/8, ठीक। अगेन अगर हम इसको हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा 6.25%, ठीक है। तो 1/8 का हाफ हो जाएगा ये, यानी कि 1/16, ठीक है। यही इतना, ये चार इंपॉर्टेंट है आपको फ्रैक्शन वैल्यू के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको हो गया 66 2/3, ठीक, 66 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप हमेशा याद रखो, जो ये फ्रैक्शन वैल्यू है ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, बाकी इसको हम 100 से भी डिवाइड करके देख लेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, 66 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/3। अब अगर इसको हम हाफ करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3, ठीक। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जब हम हाफ करेंगे तो ये कितना होगा, 1/3, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको अगेन फिर से हाफ करें, 33 सही 1/3 का हाफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 100/3 और 16 सही 2/3, ठीक है। अब 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू यानी 1/3 का हाफ, तो ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। यही तरी वैल्यू हमें याद रखना है। अच्छा, एक वैल्यू अब इनमें से हम देखेंगे, देखो अगर हमने यहाँ पे जो है 25 का 3 गुना कर दिया, ये भी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, काफी पूछता है आपके एग्जाम में, 75% किसी न किसी वैल्यू की पूछ लेता है। तो देखो 25 का हमने यहाँ पे 3 गुना किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि इसकी वैल्यू भी 3 गुना, फ्रैक्शन वैल्यू सेम वैसे हो जाएगी। तो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, यानी 75% की परसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। अच्छा, और इसमें से हम क्या बना सकते हैं, देखो एक आपका पूछता है, ये भी काफी बार आपके एग्जाम में पूछता है। अच्छा, आप देखो यहाँ पे 37.50 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो देखो 37 में क्या क्या जुड़ा है, 25 + 12.50, हम क्या करेंगे कि 1/4 + 1/8, ठीक है, 1/4 + 1/8 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, हमें क्या मिलेगा, ये 8 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 + 1 यानी 3/8, तो यहाँ पे 37.50 की वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/8। अच्छा, मैंने ये क्यों बताया आपको, मैं अगर इसको चाहता तो डायरेक्ट आपको लिखवा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं ये बताया, तो आप जब इस तरह खुद निकालोगे तो ये वैल्यू हमेशा आपको याद रहेगी, और कुछ दिन आप अपने एग्जाम में ये वैल्यू याद करके प्रैक्टिस करोगे तो ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इन पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं कुछ, कैसे ये हमें परसेंटेज हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वैल्यू है हमारे पास 4400, ठीक है, अब हमसे कह दिया कि 4400 का हमें चाहिए 37.50%, ठीक है, 44% का हमें चाहिए 37.50%, ठीक है, वैल्यू थोड़ा आसान कर लेते तो आपको समझ में आएगा, अभी हम 48 हुए, मान लीजिए हमने 4800 का हमें चाहिए 37.5%। आप देखो अगर नॉर्मली आप करोगे तो नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, ठीक है, आप 37.5 करोगे इनटू 100 करोगे, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेशन करने में एक मिनट तो आपको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ा है, ठीक है, इसको आसान कैसे करेंगे, अब जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों को तो हमें ये देखते ही समझ आ जाएगा कि ये 25 और प्लस 12.5% है, ठीक है। तो क्या ये 25 + 12.50, तो आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू से आप करोगे तो 25 का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू का 1/4, तो 4800 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1200, ठीक है।
12.50 का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का 1/8, ठीक है, किसी भी वैल्यू का 1/8। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 600 मिलेगा, यानी इसका 12.5% क्या होगा, 600, 1200 प्लस 600 1800, ये आपका आंसर। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करते रहो, कम से कम भी तो आपका 1 से 1.5 मिनट तो कैलकुलेशन लेके जाएगा, यहाँ पे विद इन 20 सेकंड आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ और देखते हैं, मान लीजिए आप देखिए यहीं पे आपको इसी वैल्यू का 32% निकालना है, ठीक है, इसका क्या निकालना है, 4800 का आपको 32% निकालना है। आप देखो या तो आप 48 को 32 से गुणा कर लो, या तो इसको और थोड़ा आसान बना लो। देखो छोटे कैलकुलेशन आपसे इजीली हो जाते हैं और आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको छोटा कैलकुलेशन बना लो। छोटा कैलकुलेशन कैसे बनाओगे आप, देखो 32 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो तरीका ये है कि इसको आप 25+7 में तोड़ लीजिए, दूसरा आप इसको 30+2 भी कर सकते हैं, ठीक है। 30+2% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 10% इसका हो गया 480 का 3 गुना आप करोगे तो 8 + 3 = 24, 4 + 3 = 12, 2 = 14, यानी कि कितना हो गया 144, ठीक है, तो कितना हो गया 100, इसका हो जाएगा 1440, 30% 2% इसका ऐड करोगे तो 1% 48, 48 का 2 × 96, तो 1440 में हम 96 ऐड करोगे, ओरली आपका आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 25%+7%, ठीक है, 25% का मतलब आपको पता ही है कि इसका 1/4, तो 1/4 कितना हो गया 1200, 7%, तो देखो क्या बताया गया आपको कि किसी भी वैल्यू में आप दो अंक पे दशमलव लगा दो तो ये आपको 1% की वैल्यू देता है, तो आप इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7% की वैल्यू देगा, तो कितना आ जाएगा, ये 7 × 8 आ जाएगा आपका 56, और 7 × 4 है कितना 28+5, तो कितना हो गया 33 आपका आंसर 1536। ये सारे कैलकुलेशन आप ओरली कर सकते हैं। एक दो और देखते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए, अब मान लीजिए आपको निकालना है किसी भी वैल्यू का 58% निकालना है, वैल्यू आप ले लीजिए 12500, ठीक है, तो 12500 का आपको 58% निकालना है। अब देखिए आपने अभी तक क्या सीखा, या तो इसको आप कन्वर्ट कर लो 50+8 में, या इसको आप कन्वर्ट कर लो 60-2 में, ठीक है, 60-2 में। अब देखो 50+8 का मतलब क्या हो गया कि 50% का मतलब होता है किसी भी वैल्यू का हाफ, ठीक है, तो 12500 का हाफ क्या होगा 6250, जैसे बात इसका हाफ हो गया, 8% चाहिए, 8% के लिए आपको क्या बताया गया है कि आपको दो अंक पे दाएं की तरफ से आप दशमलव लगाएंगे 1% की वैल्यू मिलेगी, 8 गुना कर देना है, तो देखो कितना होगा 125 का 8 गुना कितना हो गया 1000, तो आप इसमें ऐड कर दो सीधे आपका आंसर 7250। कितना इजीली तरीके से आप कर सकते हैं, सेम चीज आप वहीं पे ये भी कर सकते हैं, इसका 10% 1250, तो 1250 को 6 से गुणा करेंगे 60 मिल जाएगा, और 125 1%, तो 2 गुना माइनस कर देंगे आपका सेम वही आंसर मिलेगा, ठीक है। और देखिए अच्छा आप देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कैसे इस क्वेश्चन से इन सब फ्रैक्शन वैल्यू से आसान हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, आपको पेन भी नहीं उठाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी के वेतन में अगर आपसे कहता है किसी की सैलरी में 12.50 का इंक्रीमेंट होता है, यानी 12.5% का बढ़ोतरी होती है, और इस बढ़ोतरी के बाद ठीक है उसकी सैलरी हो जाती है 27,000, ठीक है, कितनी हो जाती है 27,000, तो आपसे पूछ सकता है कि इसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, यानी कि बढ़ोतरी से पहले उसकी सैलरी कितनी थी। अब देखो अब इस क्वेश्चन को आप करोगे तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे तो आपको पता है कि कोई भी सैलरी इनिशियली कितनी होती है 100% होती है, ठीक है। अब उसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो प्लस 12.50 की
इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो यानी कि अब उसकी सैलरी कितनी हो जा रही है, 112.50, ठीक है, यही इसकी सैलरी है। बढ़ के कितना हो रही है, तो देखो परसेंटेज में बढ़ के हो रही है 112.5, प्राइस में कितनी हो रही है 27,000, ठीक है। तो यानी कि 112% की वैल्यू हो गई 27,000। आपको इनिशियल सैलरी यानी कि प्रारंभिक वेतन उसका पूछ रहा है, तो आप प्रारंभिक वेतन 100% आप 100% निकालोगे। तो आप कैसे निकालोगे, 27,000 बटे 112.5 गुणे 100, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए, तो देखिए आप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको काफी टाइम लेके जाने वाला है। अब इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू में आपने सीखा कि जैसे अभी आपने सीखा कि 25% का मतलब होता है 1/4, तो इस 1/4 का मतलब क्या होता है, इस 1/4 का मतलब होता है अगर किसी चीज का पूछा जाए कि 25% क्या है, तो आपसे ये आपको ये कहना होगा कि वो चीज का टोटल अमाउंट 4 था जिसमें से एक भाग उसका क्या है 25% की वैल्यू है। यानी किसी चीज को 4 भागों में डिवाइड करो तो उसका एक भाग, उस 4 भागों में से एक भाग जो है वो क्या होगा, वो 25% की वैल्यू होगी। सेम ही पे हमें ये पता है कि 12.5% की बात कर रहा है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, ठीक। अब देखो 1/8 में क्या मतलब है, कोई चीज है अगर उसको 8 भागों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 8 भागों में डिवाइड करते हैं तो जो उसका एक भाग होगा वो क्या होगा, वो 12.5% होगा। अच्छा 12.5% होगा। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिए, जो बेस है ये क्या होता है, टोटल होता है, ठीक है, क्या होता है टोटल। यानी कि ये अगर इसको हम एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में कहना चाहें इस क्वेश्चन के लिए, तो ये होती है हमारी इनिशियल वैल्यू, इनिशियल ये होती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, यानी कि प्रारंभ में जो चीज कितनी थी। और ये जो इसका ऊपर वाला भाग होता है ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन में डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बताया था आपको कि किसी के सैलरी में 12.5% की अगर इंक्रीजमेंट हो जाए तो उसकी सैलरी 27,000 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि किसकी बात करें, इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी की बात करें, इसका मतलब ए क्या है, ये जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, ठीक है। तो यानी कि अभी हम इंक्रीजमेंट पे हैं, तो ये ए क्या होगा, यानी कि कोई चीज पहले 8 थी और अब वो चीज बढ़ गई, उसमें 1 का इजाफा हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करें तो यानी कोई चीज पहले 8 थी और 1 बढ़ा तो टोटल हो कितना गया, वो हो गई 9 पार्ट, और यही 9 पार्ट की वैल्यू आपको क्या दिया है 27,000, ठीक है। तो यानी कि आपको 9 की वैल्यू क्या मिल गई 27,000 रुपए, और आपसे पूछा क्या है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो आप 8 की वैल्यू निकालो, तो सीधे 1 की वैल्यू यहां से निकलेगी 27,000 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा 3,000। देखो ये सारे कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हो, ठीक है, इनके लिए आपको एग्जाम में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 3,000, तो ये हो जाएगा आपका 24,000, ठीक है। तो इस तरीके एक बार फिर से देखिए क्या करना है आपको, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू, नीचे वाला भाग आपका इनिशियल वैल्यू, ऊपर जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट हो रहा है वो भाग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 8 पहले थी वैल्यू, 1 बढ़ रही है, तो 8 और 1 कितना वैल्यू हो जाएगी 9, और वही वैल्यू हमें कितना दिया है 27,000 रुपए, ठीक है। हमें निकालना क्या है इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 8, तो 8 × 3 यानी 24,000, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कह दे कि किसी व्यक्ति के वेतन में, अगर आपको थोड़ी टफ डिजिट दे देता है, ठीक है, किसी व्यक्ति के वेतन में 66 से 2/3% उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, और बढ़ोतरी के बाद उसकी सैलरी हो जा रही है 12,500 रुपए, ठीक है। तो उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी, ठीक, उसकी इनिशियल सैलरी कितनी थी,
देखो क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे। अगेन हम क्या करने वाले हैं कि अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से करना होगा तो 100 में सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे 66 से ही 2/3, ठीक। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 = 19, यानी 200/3, 100 + 200/3, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 + 200/3, यानी कि ये हो गया 500/3%, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 12,500, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगेन कैलकुलेशन करके 100% निकालेंगे तो हमें जो है हमारी इनिशियल सैलरी मिलेगी। अब देखो हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसको कितने इजीली तरीके से कर सकते हैं हमें। अच्छा, ये आप कभी भी सोचो कि आप इसको रट लो, रट के बिल्कुल नहीं तैयार होने वाला है ये। आप वैल्यू खुद निकालो, हर एक वैल्यू को जो आपके आप अपने शीट उठाओ, आप जितने भी एग्जाम दिए हो, जितना भी आपके पास प्रैक्टिस हो, उसमें से आप वैल्यू देखो कौन कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार पूछी गई, उस वैल्यू को आप खुद जो है 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिए, और कन्वर्ट जब करेंगे उसके बाद 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा आपके जहन में रहेगा। अगर आप सोचो कि आप आज इसको जो है रटो कि 100 का ये 50 का ये वैल्यू होता है, 25 का ये होता है, तो आप कुछ दिन तक, एक हफ्ते दो हफ्ते तक याद रहेगा, जब आप प्रैक्टिस छोड़ देंगे फिर आपको भूल जाएगा। तो आप खुद फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए और खुद इनको प्रैक्टिस में जितना लाएंगे उतना ही आपके अंदर, फिर ये कभी नहीं भूलेगा आपसे कि ये क्या वैल्यू होती है, किसी भी 33/3 का कितना होता है, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे बताया कि 66/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, नीचे वाली वैल्यू हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, क्या होती है, इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक, और ऊपर वाला इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के हिसाब से होता है, ठीक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले उसकी सैलरी थी कितनी, 3, अब उसकी सैलरी बढ़ी कितनी, 2, तो यानी कि पहले थी 3, अब बढ़ गई 2, तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी, 5, और 5 बराबर आपको वैल्यू क्या दिया, 66/2/3% की आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/3, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको ये बताया गया है कि जो ये 3 नीचे वाला भाग होता है ये आपका होता है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, यानी कि आपकी पहले सैलरी जो थी वो 3 थी, अब आपका इंक्रीजमेंट हुआ है कितना हुआ है, ऊपर वाला भाग आपका इंक्रीजमेंट होता है, यानी 3 सैलरी पहले थी आपकी, 3 भाग, 2 भाग बढ़ गई, यानी आपकी सैलरी कितनी होगी, 5, तो 5 की वैल्यू आपको गिवन है 12,500, तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 12,500, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2500, तो आपको निकालना है क्या, इनिशियल, इनिशियल कितना है 3, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 × 3, यानी कि 7,500। तो अब देखो, अब यहाँ पे तो ये मैं लिख रहा हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये सब आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके सीधे आंसर लगाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक। चलिए कुछ और देखते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका देखते हैं जो आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली सीजीएल के 2018 में इसी बेस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, एक वस्तु की कीमत 40,000 रुपए थी, एक वस्तु की कीमत 40,000 रुपए थी, एक खुदरा व्यापारी पहले 62.5% कीमत पर 10% की छूट देता है, शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है, यानी कि पहले जो 40,000 में 75% है उस पे जो है वो 10% की छूट देता है, सॉरी 62.5% पे वो जो है 10% की छूट देता है, और बाकी बची कीमत पर वो 4% की छूट देता है, तो वस्तु पर दी गई कुल छूट प्रतिशत क्या है, ये 2018 का क्वेश्चन है। इंग्लिश में देख लीजिए आप, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000 इज लेट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40,000 इज लेट, a retailer offers 10% discount on first 62.5% price, he gives a discount of 4% on the remaining price, यानी बाकी बचे हुए पे वो 4% का discount देता है, then what is the overall discount percentage given on that time, ठीक है, यानी question का सीधा मतलब यही है कि अगर 40,000 रुपए, ठीक है, 40,000 रुपए की कोई राशि है, उसकी उस राशि पर, उस राशि के 62.5% पर
10% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। बाकी जो बचा रिमेनिंग प्राइस है, जो रिमेनिंग बचा पार्ट है, उसपे वो 4% का डिस्काउंट देता है, ठीक। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, अगर बेसिकली आप करोगे, बेसिक से करोगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप 40,000 का 62.5 निकालोगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसका 4% निकालोगे, दोनों को ऐड करोगे, और दोनों को ऐड करने के बाद चेक कर लेंगे कि 10% का ये 40,000 का कितना परसेंट है, तो वो टोटल निकल के आ जाएगा। जो आपसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा अलग अलग डिस्काउंट दिया जा रहा है तो वो एक ही बार में कितना डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हम सीखेंगे 62.50। अच्छा देखो, अब 62.50 को देख के आपको ध्यान आ रहा होगा, अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू पे प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये 50 और प्लस 12.50 है, तो 50। अब देखो, अगर आप 62.50 की अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्या ऐड है इसमें, 50 प्लस 12.50। आपको पता है कि 50% का मतलब होता है 1/2, और 12.5 का मतलब होता है 1/8, ठीक। अब देखो, ये कितना हो जाएगा 8, तो 4 प्लस 1 यानी कि 5/8, तो 62.50 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 5/8, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, 62.50% निकालने के लिए आपको क्या बोलता है, सॉरी 62.5% अगर आपको निकालना है, तो आपको पता है कि 62.50 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8, 62.50 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8, यानी कि आपको क्या करना है कि 40,000 का 5/8 निकाल देना है। तो 5/8 निकालने का मतलब क्या होता है, आपको भी मैंने समझाया कि इस 8 में से आपको 5 की वैल्यू चाहिए। तो 8 क्या है, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, 40,000, तो 8 बराबर हो गया 40,000, और 1 बराबर आ जाएगा आपका 5,000, तो 5 की वैल्यू यही चाहिए, यानी 5/8 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 25,000। अब देखो, मैं ये डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी एग्जाम में यही पैटर्न फॉलो करोगे, ये नहीं कि आप 5/8 = 40 ये भी एग्जाम में लिखो अपनी कॉपी में, फिर उसके बाद 1 की वैल्यू, ये सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको माइंड में करना है, जो मेन वैल्यू है वो आपको आपकी सीट पे लिखना है, क्योंकि लिखने में भी आपका टाइम जाता है एग्जाम, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, कि हमें ये पता है, सीधे आप ये भी कर सकते हो कि 40,000 का 5/8 अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आप 8 से काटोगे तो ये 5,000 मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको 2500 यानी कि 25,000, यानी कि आपको 62.50% की वैल्यू कितनी मिल गई, 25,000। देखो, 25,000 का आपको यहाँ पे निकालना है 10%, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका 10% कितना होगा, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 2500, ठीक है। रिमेनिंग बचा पार्ट देखो, 40,000 वैल्यू थी, 40,000 वैल्यू थी, जिसमें से 25,000 तो उसकी 62.5% की वैल्यू होगी रिमेनिंग, यानी कि बाकी बचा, तो 40 में से 25 आप घटाओगे तो 15,000 होगा, तो 15,000 पे कितना डिस्काउंट देने की क्वेश्चन में बात कर रहा है, 4%, ठीक है। तो 4% जब इस पे आप करोगे, तो 15,000 का 4% कैसे निकालोगे आप, दाहिनी तरफ से 2.1, यानी कि 1% की वैल्यू 150, तो 4% की 600, ठीक है। तो टोटल आप अगर कैलकुलेट करो, तो टोटल देखो, टोटल आपको कितना डिस्काउंट मिला दो बार में, 3100। यही पूछ रहा है कि ये टोटल आप अगर एक ही बार में कहा जाए, तो एक ही बार में कितना डिस्काउंट परसेंट होगा, तो 3100 आपसे पूछा है कि 3100 40,000 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आप यहाँ पे 20 से 20 ये काट लोगे, 20 से ये काट लोगे, और ये जब आप डिवाइड करोगे, तो 4 × 7 = 28, 3 बचेगा, फिर अगेन 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, यानी टोटल आपको ये डिस्काउंट मिलेगा 7.750, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, कल इस पे बेस सारे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, ओपी जो रिसेंटली आपके एग्जाम में आए हुए, ठीक है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे वो UPSI और UPSSC का एग्जाम, ठीक, ओके।